हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिल्ली के बंगला साहब गुरुद्वारे के दर्शन करवाऊंगी। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब के एंट्रेंस में। ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है, गुरुद्वारे का मेन गेट है। इस गुरुद्वारे के आने के लिए आप तीन जगह से आ सकते हो। थ्री एंट्री गेट हैं गुरुद्वारे के एंट्रेंस के लिए। यह आपका भगैल रोड पे पड़ता है ये वाला एंट्री पॉइंट, जिधर से मैं अभी इस टाइम आ रही हूँ। एक आपका अशोक रोड पे है, जिसके नियर बाई पटेल मेट्रो स्टेशन होगा, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन। और एक आपका उसके अपोजिट साइड में है एक एंट्री पॉइंट, आप वहाँ से भी आ सकते हो। जैसे लोकल ट्रेन से आते हो तो आपको वो शिवाजी ब्रिज से उतरते हुए लोकल ट्रेन के वहाँ से आप आ सकते हो। ये हमारा जोड़ा घर है। गुरुद्वारे में एंट्री करने से पहले हमें अपने जूते चप्पल को उतार के जाना होता है। इवन हमें सॉक्स भी उतार के जानी होती हैं गुरुद्वारे के अंदर। और यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं आपकी सेवा के लिए, हमारी संगत की सेवा के लिए, जो उनके जूते चप्पल को संभाल के रखते हैं। और उसके बदले आपको एक टोकन दिया जाता है, जो बाद में अपने जूते चप्पल लेने के लिए आपको वो टोकन आपको दोबारा देना होता है, जिससे आपको ये वापसी आपको आपके जूते चप्पल मिल जाते हैं। तो सेवादार बड़े ही सेवा भाव से यहाँ पर सेवा करते हैं। विश्राम रहा प्रभु के सिमरन गर्व न बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम न सह, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे। ये हमारा प्रसाद घर है, यहाँ से कड़ाप प्रसाद लिया जाता है। प्रसाद को लेने से पहले हमें टोकन लिया जाता है, देन उसके बाद हमें प्रसाद मिलता है, कड़ा प्रसाद, और वो फिर बाबा जी को चढ़ाया जाता है प्रसाद। यह गुरुद्वारा मूलत एक बंगला था, जो जयपुर के महाराजा जय सिंह का था। सिखों के आठवें गुरु गुरु हरकिशन सिंह यहाँ अपने दिल्ली प्रवास के दौरान रहे थे। उस समय चेचक और हेजा की बीमारियाँ फैली हुई थी। गुरु महाराज ने उन बीमारियों के मरीजों को अपने आवास से जल और अन्य सुविधा उपलब्ध करवाई। गुरु हरिकिशन साहिब जी से संबंध। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान 1783 में सिख जनरल सरदार भगेश सिंह द्वारा एक छोटे से श्राइन का निर्माण किया और उसी वर्ष दिल्ली में 9 सिख धार्मिक स्थलों के निर्माण को अपनी देखरेख में बनवाया। कैसे पड़ा इसका नाम बंगला साहब जाने। मूल रूप से ये जगह मिर्जा राजा जय सिंह 17वीं सदी में एक भारतीय शासक का बंगला हवेली थी, इसलिए इसका नाम बंगला साहिब रखा गया। मिर्जा राजा जय सिंह मुगल बादशाह औरंगजेब के एक महत्वपूर्ण सैन्य नेता थे। बंगला साहिब गुरुद्वारा का सरोवर। 1664 में सिखों के आठवें सिख गुरु गुरु हरिकिशन साहिब जी जब दिल्ली पहुँचे तो वह हैजे की बीमारियाँ फैली हुई थी। उन्होंने इस घर के कुएं जैसी आज सरोवर माना जाता है से ताज़ा पानी देकर लोगों की पीड़ा में मदद की। के मुताबिक गुरुजी ने अपने चरण सरोवर के उस जल में रखकर अरदास की थी कि और फिर उस जल से मरीजों को सहायता मिली। कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराने के बाद उन्हें स्वयं चेचक निकल गए और अंत में 30 मार्च को उनका निधन हो गया। सरोवर की मान्यताएं। इस कुएं के पानी को स्वास्थ्यवर्धक, आरोग्यवर्धक और पवित्र उपचार के गुण होने के कारण दुनिया भर से सिख लोग इसका पवित्र जल घर लेकर जाते हैं। बाद में राजा जय सिंह ने इस कुएं पर एक टैंक बनवा दिया था। सिखों के आठवें गुरु गुरु हरिकिशन साहेब जी की स्मृति में प्रकाश पर्व मनाया जाता है। गुरु हरिकिशन सबसे कम उम्र के गुरुओं में से एक थे, जिन्होंने 8 साल की बहुत ही कम उम्र में गुरु गद्दी संभाली थी। इस छोटी उम्र में स्वाभाविक रूप से उन्होंने अन्य धर्मों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। गुरु हरिकिशन को बहुत छोटी उम्र में गद्दी प्राप्ति हुई थी। इसका मुगल बादशाह
औरंगजेब ने विरोध किया। इस मामले में औरंगजेब ने गुरु हरि कृष्ण को दिल्ली बुलाया ताकि वह जान सके कि सिखों के नए गुरु में ऐसा क्या खास है जो इनकी इतनी कम उम्र में उन्हें यह ओहदा प्राप्त हुआ। ये गुरुद्वारे की बैक साइड है, नियर बाय पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, और ये लंगर हॉल की तरफ जाते हुए सामने लंगर हॉल है और पियाऊ है। सिखों के आठवें गुरु गुरु हरि कृष्ण साहेब जी की स्मृति में प्रकाश पर्व मनाया जाता है। गुरु हरि कृष्ण सबसे कम उम्र के गुरुओं में से एक थे जिन्होंने 8 साल की बहुत ही कम उम्र में गुरु गद्दी संभाली। सेवादार इस छोटी उम्र के बाद बर्तन को धोते हुए अन्य धर्मों के लोगों को यहाँ पर गुरुद्वारे में आए थे बंगला साहब जी में। तो शाम हो चुकी है, लाइटिंग जल चुकी है, पूरे गुरुद्वारे में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गुरुद्वारा। बाबा भग्याल सिंह मल्टीमीडिया सिख म्यूजियम, बाबा भग्याल सिंह मल्टीमीडिया जय घर, और ये है आपका गुरुद्वारा बहुत ही खूबसूरत। शाम हो गई गुरुद्वारे में, बहुत ही खूबसूरत नजारा है शाम के टाइम, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बाबा जी के दर्शन करते हुए हमें बहुत ही अच्छा लगा है। एक छोटे से शाइन का निर्माण किया और उसी वर्ष दिल्ली में दो सिख धार्मिक स्थल। कोरोना चल रहा है पर पब्लिक बहुत आ रही है। कैसे बड़े बड़ा इसका बाबा जी के दर्शन मूल रूप से सामने पर साथ जा रहा। राजा जय सिंह 17वीं सदी में एक भारतीय शासक का बंगला हवेली थी, इसलिए इसका नाम बंगला साहिब रखा गया। मिर्जा राजा जय सिंह मुगल बादशाह ये सामने एग्जिट का रास्ता के एक महत्वपूर्ण सैन्य नेता थे। लंगर हॉल में श्रद्धालु लंगर चखते हुए लंगर में दाल ये आपका बाबा भग्याल सिंह विरासत मल्टीमीडिया अजायब घर है। लंगर चखते जाते हैं। बाबा भग्याल सिंह सिख हेरिटेज मल्टीमीडिया म्यूजियम। Thank you.